गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज जो है मैं आपको तो टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। टेंस का हिंदी जो होता है वो काल होता है। टेंस जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। सेकेंड जो होता है पास्ट टेंस। थर्ड जो होता है वो फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस। तो टेंस का हिंदी जो होता है वो काल होता है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी जो होता है वो वर्तमान काल होता है। आप लोग यह हिंदी में भी पढ़े होंगे कि जो समय चल रहा है, वर्तमान में जो समय चल रहा है उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। रनिंग टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। और बीते हुए समय को जो है हम लोग जो है पास्ट टेंस कहते हैं। पासिंग टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस जो होता है तो आने वाले समय को जो है हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं, जिसका हिंदी जो होता है भविष्य काल होता है। तो ये तीनों है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा है। जैसे बोलते हैं राम बस जा रहा है, वे लोग गीत गाए, जैसे राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, वे लोग गीत गाए और आपने कलम खींचा। तो हम राम घर जा रहा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि और फ्यूचर टेंस है, ये जानने के लिए क्या हुआ, हमें जो इस सेंटेंस को समझना पड़ेगा। राम घर जा रहा है यानी क्या हुआ, ये काम जो है वह अभी हो रहा है क्योंकि वह घर जा रहा है। तो इसलिए ये जो होगा वो प्रेजेंट टेंस होगा। वे लोग गीत गाए, अभी गीत गाए नहीं है, वे लोग गीत क्या हुआ, गा चुके हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग जो बोल सकते हैं वो क्या हुआ, पास्ट टेंस होगा। आपने कलम खरीदा, ये जो है पास्ट टेंस है क्योंकि इसका समय जो है आपने कलम खरीदा, आप कलम क्या हुआ खरीद चुके हैं, इसीलिए आप ये भी जो होगा पास्ट टेंस होगा। वे लोग विद्यालय जाएंगे, वे लोग विद्यालय जाएंगे यानी क्या हुआ, ये अभी विद्यालय क्या हुआ, अभी गए नहीं है, जा भी नहीं रहे हैं, क्या जाएंगे, इसीलिए क्या होगा, ये अनुमान है कि ये क्या होगा विद्यालय जाएंगे, इसीलिए ये क्या है फ्यूचर टेंस। और समझ में आया होगा कि आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कभी कंफ्यूजन भी होता है कि राम भर जाता है जैसे इसका हमने प्रेजेंट टेंस में बनाया कि राम घर जाता है, इसका जो है हम लोग पास्ट में बनाते हैं राम घर गया, गया या गया था। फिर इसका हम लोग फ्यूचर बनाते हैं राम घर जाएगा, राम घर जाएगा, राम घर जाएगा, अभी गया नहीं है वो जाने वाला है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि वो जाएगा। तो अब आप लोग समझ में आया होगा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। ज्यादा जो है आपका जो है प्रेजेंट टेंस में जो होता है वो आपका है, क्रिया के अंत में जो होता है वो है आता है, जैसे जा रहा है, क्रिया के अंत में क्या है जी आपका है आया हुआ है। और इसमें जो होता है पास्ट टेंस में जो होता है उसमें हम लोग को पता करना होता है, तो ये होता है जैसे यहाँ पे मात्रा आता है,
आकार का मात्रा आएगा, इकार का मात्रा आएगा या एकार का मात्रा आएगा। जैसे यहां पे आया हुआ है एकार का मात्रा होगा, वे लोग गीत गाए, आपने कलम खरीदा था, था आया, क्रिया कर्म में क्या हुआ जी, था आया हुआ है। वे लोग विद्यालय जाएंगे, वे लोग विद्यालय जाएंगे, तो इसमें जो होता है गा के गी आता है, फ्यूचर में क्या होता है वो गा के गी आता है, क्रिया के अंत में जो होता है वो गा के गी आएगा, इससे हमें पता चलता है कि ये क्या फ्यूचर टेंस है। तो आप लोगों को जो है पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। फिर से हमने जो है दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के भी जो होते हैं मीन चार प्रकार के होते हैं, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके भी चार होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के भी वैसे ही होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको हम लोग जो है कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, जैसे इसका जो है कंटिन्यूअस भी हम लोग होते हैं, कंटिन्यूअस एक प्रकार का, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट, इसका सेकंड हम बता रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड जो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका पहचान में हम बता दे रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में टा है, टी है, ते है आता है, तो वह वाक्य जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। कंटिन्यूअस में आएंगे यहां पे होगा रहा है, या रही है, रही है, रहे हैं। वही जब परफेक्ट आएगा तो यहां पे हो जाएगा चुका है, चुके हैं या चुकी है। तो ये समझ में आया आप लोगों को, इसमें क्या है जी टा है, टी है, ते है, इंडेफिनिट में ये आता है, वही जो है आप लोगों का कंटिन्यूअस में होगा रहा है, रही है, रहे आएंगे, और वही जो है परफेक्ट में जो होगा वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया होगा। तो यही आप जो है पास्ट में देखेंगे तो पास्ट में होगा ता था, ता था, ती थी, ते थे, ते यही यहां पे आप इसका हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे। फिर इसमें भी जाएगा आपका चुका था, चुका था, चुके थे, चुकी थी,
से आएगा और यही जो है आपका फ्यूचर में होगा। हमने जो है इसलिए आपको बताया है ताकि आपको हम जो है कल जो है इसका पूरा डिफिनेशन बताएंगे। आज जो है केवल आपको ये हमको बताने जाए बताना है कि आप लोग पहचानेंगे कैसे। जैसे यहाँ पे वो खाना खाता है ये जो होगा इंडिफिनिट टेंस का होगा। वो खाना खाती है ये इंडिफिनिट होगा। वे लोग बाजार जाते हैं तो ये जो होगा आपका इंडिफिनिट भी होगा। रहा रही में देखिए वे लोग मेला घूम रहे हैं। वे लोग मेला घूम रहे हैं तो ये जो है आपका कंटिन्यूअस में होगा। वे लोग खाना बना रहे हैं तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। चुका है आप लोग खाना खा चुके हैं। वे लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। वे लोग पूजा कर चुके हैं। इसमें जो है क्या था, आपने खाना खाया था या आपने खाना खाया। इसमें ऐसे भी आ जाएगा आपका आपने खाना खाया। अभी हमने बताया क्या हुआ, आकार का भी मात्रा आता है, बड़ी का भी मात्रा आएगा आपका, एकार का भी मात्रा। आपने खाना खाया, वो बाजार गया, उसने गेंद को पकड़ा। तो ये जो है इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या हुआ, इसमें जो है ता था आया है या अगर नहीं आया ता के बदले में तो भी हम क्या हुआ ये हमको पहचानना पड़ेगा। इसमें थोड़ा कठिनाई हो जाएगा। वो खाना खाया खा नहीं है, जितने बच्चे सोचते हैं कि नहीं ये जो होगा में होगा, नहीं ये जो होता है वो पास्ट टेंस में होता था। और आप लोगों को जो है अगले क्लास में बताया जाएगा कि कैसे इसके हम लोग पहचानेंगे और इसके बारे में जो है मैं कल जो है इसके बारे में डीपली बताऊंगा। डेट